हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैंडमेड वर्क्स। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ सॉफ्ट टॉय कैसे बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जो पिक्चर में देख रहे हैं वही सॉफ्ट टॉय मैं आज आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। आइए देखते हैं इस सॉफ्ट टॉय को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। पहले तो हमें कुछ पैटर्न चाहिए होगा, कुछ इस टाइप का। ये पैटर्न चाहिए 18 सेंटीमीटर का और चाहिए 15 सेंटीमीटर का ये पैटर्न, और आंख के लिए 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का कुछ इस टाइप का पैटर्न चाहिए। अब हम इस पैटर्न को कपड़े में कट कर लेंगे इस तरह से। ये बड़ा वाला पैटर्न, ये छोटा वाला, और आंख के लिए हम फेल्ट यूज करेंगे। काट लिया है हमने इस पैटर्न को, अभी हम इसको बनाएंगे। पहले इस फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और इस टाइप से ऐसे सिलाई कर देंगे, और दूसरी साइड भी इस तरह से यहाँ से सिलाई कर देंगे। अभी हमने सिलाई कर दिया है यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से, और ऊपर का जो हिस्सा है उसको भी हम इस तरह से सिलाई कर दिया है। अभी हम इसको पलटेंगे, और पलटने के बाद हम इसमें फाइबर कॉटन डालेंगे। इस तरह से हम इसको अंदर डाल लेंगे और ऊपर के हिस्से को नीचे की तरफ मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद इसको हम यहां से सिलाई कर लेंगे। इसको इस तरह से हम अटैच कर देंगे नीचे कपड़े के साथ, और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी हम यहाँ पे आंख को अटैच करेंगे। यहाँ हम ग्लू गन का भी यूज कर सकते हैं और सिलाई भी कर सकते हैं। मैंने इसको सिलाई किया है। अभी अंदर हम फिर से फाइबर कॉटन डालेंगे और इसको इस तरह से सिलाई कर देंगे चारों तरफ। सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा, और दोनों रस्सी को हम खींच के गांठ लगा देंगे। गांठ लगाने के बाद हमें एक कपड़ा चाहिए होगा, इस टाइप से गोल से हम काट लेंगे राउंड शेप में, और इसको यहां से सिलाई कर देंगे। और अभी हमको धागा चाहिए। धागा को इस तरह से उंगली में रेप करना है। रेप करने के बाद बीच में से इसको गांठ लगा देंगे, और इस धागे को हमारा जो सॉफ्ट टॉय है उसके इसके बीच में से ऐसे डाल देंगे, और उसका आईब्रो बना लेंगे, और इसको हम ऐसे काट देंगे। रस्सी को आप सिलाई करके भी अटैच कर सकते हैं, नहीं तो ग्लू गन से भी इसको फिक्स कर सकते हैं। अभी इस तरह काट देंगे। अभी हमारा ये सॉफ्ट टॉय रेडी हो गया।